स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन कुमार परमार ने सिविल अस्पताल भवारना में महत्वाकांक्षी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हेल्थ प्रोडक्शन स्कीम के पंजीकरण केंद्र का शुभारंभ किया। धर्मशाला, कांगड़ा, लंबागांव और रैत के बाद भवारना में ये सुविधा आरंभ की गई है। यहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हेल्थ प्रोडक्शन स्कीम में ऐसे परिवारों को शामिल करने का प्रयास किया गया है जिन्हें किसी भी रूप में सरकार से निशुल्क सुविधा नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एक परिवार के 5 लोगों को प्रतिदिन 1 रुपया और प्रतिवर्ष 365 रुपये के भुगतान पर निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना में 30,000 से 1,75,000 रुपये और गंभीर रूप से 2,25,000 तक सरकारी तथा सरकार से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में प्रदेश 163 तथा जिला कांगड़ा के 34 सरकारी और निजी अस्पतालों में ये सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों और समाज सेवी संस्थाओं से आह्वान किया कि इस योजना का वे अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। परमार ने कहा कि स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष में 2,302 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों को आधुनिक, बेहतर और गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि भवारना को सामुदायिक अस्पताल से अपग्रेड कर सिविल अस्पताल का दर्जा देकर बिस्तरों की संख्या 50 कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 6 चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ के 20 पद भी सृजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही भवारना में अस्पताल का भव्य भवन भी निर्मित किया जाएगा और इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ अस्पताल भवन निर्माण स्थल का उन्होंने निरीक्षण भी किया और लाभार्थियों को स्कीम के हेल्थ कार्ड भी वितरित किए। और इसमें भी वही प्रावधान है, छोटी बीमारी 50,000, 30,000, बड़ी बीमारी, क्रोनिक बीमारी शरीर में लग जाए तो 1,70 के लगभग, और अगर कोई टीप और अगर कैंसर की बीमारी लग जाए तो 2,25,000 रुपए का प्रावधान। कितनी अच्छी योजना। और इसके आगे भी बढ़कर के हमने योजनाएं बनाई और आज मैं प्रचारित करने के लिए आया हूं। ट्रस्ट के बंधुओं से बात करना चाहता हूं कि अखबार के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंच जाए, पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हम इस योजना को जन जन तक पहुंचाएं। कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति इस यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम से छूटे ना, ताकि जरूरत पड़ने पर, और सबसे बड़ी बात, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में ये कार्ड चला करेगा। इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद मैं आप सभी को देना चाहता हूं। भवारना का अस्पताल अच्छा बने, ठीक बने, एक संदेश चारों तरफ जाए, सरकार बदलने के बाद इस अस्पताल की कार्य पद्धति भी बदल चुकी है। अब ये रेफर करने वाला अस्पताल नहीं, ये अस्पताल तभी रेफर करेगा जब उसका उपचार नहीं होगा। ये मैं डॉक्टर साहिबान से भी निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी यहां पर आए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत सी बातें उप प्रधान जी ने यहां पर गिनवाई है, जरूरी थी, करना जरूरी थी, कुछ विलंब हो गया। शायद वो इसलिए विलंब हुआ कि जिन सरकारों को जनता की आवाज को समझना चाहिए था उनको नजरअंदाज कर दिया। वोट के मामले में उन्होंने जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया, इसलिए हमारी कृपाल चंद पुल भी उससे नहीं बची, जो पुल पानी के लिए वर्षों से तरस रही थी, अब वो पुल गढ़जमूला तक पहुंच गई। यानी ये सरकार जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, और जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता
न इसको बनाया है, ये आपकी सरकार है। मैं मंत्री नहीं, पहले विधायक हूँ, पर मंत्री इसलिए हूँ कि हम स्वास्थ्य में एक नई परंपरा स्थापित करें, बढ़िया स्थापित करें, क्योंकि हम कुछ सरमाएदार लोगों के नेता नहीं, हम उनके हैं जो समाज में लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं, सबसे पीछे खड़े हैं हम।